नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं बी एस उपाध्याय विजुअल फिट के ऑनलाइन क्लासेस में वापस से तरह से स्वागत करता हूँ। आज हम ADCA के सिलेबस पे कुछ नए टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसका अभी जो टॉपिक अभी हमारा ADCA का चल रहा है, ADCA, DCA, CCC, तीनों टॉपिक में कंपल्सरी होती हैं। तो हम अभी जो जिस टॉपिक्स पे भी स्टडी कर रहे हैं ADCA का, जिसका नाम फंडामेंटल यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी जैसे कंप्यूटर बेसिक इंफॉर्मेशन आपने देखा, कंप्यूटर का फुल फॉर्म आपने देखा, उसके बाद कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट यूज के बारे में आपने देखा, अगेन अभी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देखा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखा, और उनके बाद अगले टॉपिक मैंने दिया था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये सारे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है और ADCA, DCA, CCC, SCA एग्जामिनेशन सेक्शन के लिए या SSC बैंकिंग के एग्जामिनेशन सेक्शन के लिए इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन की जाती हैं। तो अगर आपको ये सारे सेक्शन को अपडेट करना है, यानी भविष्य में आपको अपने कंप्यूटर में तैयारी करनी है या एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है या CCC की तैयारी करनी है, इस सारे वीडियोज़ को बहुत ध्यान से देखिए, उनका नोट्स तैयार कीजिए, क्योंकि हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर चीज़ का इंट्रोडक्शन आपको भेजा जाना है। तो अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके सारे वीडियोज़ को ध्यान से देखिए, जो कुछ नहीं आता है उसको कमेंट करके रिप्लाई कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज हम नया टॉपिक, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये ADCA यानी फंडामेंटल का सेकेंड सेमेस्टर की टॉपिक चल रही है, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब था कंप्यूटर का वर्गीकरण, यानी कंप्यूटर का कई सारे कंप्यूटर को, यानी सबसे पहले जनरेशन के बाद कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया, जिसका नाम मैंने आपको पिछले टॉपिक जो बताया था एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड। अगर आप वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको ध्यान से देखिएगा, तब ये अच्छे समझ में आपको आता है। तो जनरेशन के बाद जो तीन भागों में कंप्यूटर को बांटा गया एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड, तो हाइब्रिड कहने से मैंने बताया था उसमें दो भाग होते हैं, स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये जनरल और स्पेशल को ही क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, उसको स्पेशल जनरल को वर्गीकरण किया गया चार भागों में। तो उसमें सबसे पहले जो नाम रखा गया, इसका नाम है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो आज के दौर में हम जो भी कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं अपने ऑफिशियल यूज के लिए, एजुकेशन सेक्शन के लिए या डोमेस्टिक कामों के लिए जो भी कंप्यूटर इस्तेमाल की जाती हैं, उन कंप्यूटर को बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर, जिसे हम बोलते हैं सिंगल यूजर सिस्टम। ये कंप्यूटर यानी माइक्रो कंप्यूटर, ये एक सिस्टम पर केवल एक ही ऑपरेटर को ऑपरेट करने की परमिशन देता है, जिसे हम सिंगल यूजर सिस्टम भी कहते हैं या माइक्रो कंप्यूटर है कहते हैं। जैसे आज के डेट में हमारा मोबाइल है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, पॉम टॉप है, ये सारे हमारे माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरीज होती हैं, जिसको आज हम डोमेस्टिक पर्पज से, अपने अकाउंटिंग पर्पज से या अपने एजुकेशन पर्पज से इस्तेमाल की जाती है, उन सभी कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। अगेन है मेन कंप्यूटर, ये माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा तेज काम करती है या फास्ट काम करती है। ये एक कंप्यूटर कंप्यूटर एक सिस्टम पर एक से ज़्यादा ऑपरेटर को ऑपरेट करने की परमिशन देता है, यानी इसमें एक से ज़्यादा सीपीयू लगा होता है, यानी कई सारे एक सीपीयू यानी अलग अलग सीपीयू लगे होते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा होती है। ये हाई लेवल कंपनियों में या बड़े बड़े कंपनियों में ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है, जिसका नाम है मेन कंप्यूटर, जो माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा फास्ट काम कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं मल्टी यूजर सिस्टम या मिनी कंप्यूटर भी कह सकते हैं। इनका यूज रेलवे, रिजर्वेशन या बड़े फील्डों में यानी बड़े कंपनियों में किया जाता है। थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा तेज काम कर सकता है, सेम उसी फील्ड में काम करता है जिस फील्ड में आपका मिनी कंप्यूटर काम करता है। बस अंतर ये होता है कि माइक्रो कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर की अपेक्षा मेन फ्रेम कंप्यूटर की स्पीड कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा होती है और ये मिनी कंप्यूटर से फास्ट काम करता है, ठीक है। एंड लास्ट आपका सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर इन दिनों कंप्यूटर से 10 गुना फास्ट काम कर सकता है। ये हाई प्रोफाइल पर्पस इस्तेमाल की जाती है, यानी कहने का मतलब है कि आपके साइंटिफिक पर्पस से या रिसर्च पर्पस से जो कंप्यूटर इस्तेमाल की जाती है, उन्हीं कंप्यूटर को हम बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को हम जैसे ऑपरेटर ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, इन्हें चलाने के लिए एक साइंटिफिक ऑपरेटर होता है जिसको साइंटिस्ट कहते हैं आप। ये उन्हीं लोग अपने रिसर्च पर्पस से जैसे मौसम की जानकारी के लिए भविष्य की गणनाएं करते हैं, तो जिस कंप्यूटर से मदद लेते हैं उसका नाम है सुपर कंप्यूटर, जिसे हम परम पदम या सुपर कंप्यूटर कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये थे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, इसके चार भाग हैं माइक्रो, मिनी, मेन एंड सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो क्लियर हो, समझ में आया होगा। अगर आप
ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसका नाम है इनपुट कंपोनेंट्स। अगला वीडियो बहुत ही टॉपिक है, यानी ये सारे डीसीए डीसीए ट्रिपल सी या बेसिक कंप्यूटर के सारे इन्फॉर्मेशन आपके चल रहे हैं। हर वीडियो ध्यान से देखिए, समझ नहीं आता लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।